खबर है मिर्जापुर से। आज दिनांक 9 जनवरी को मिशन कंपाउंड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर शहर अध्यक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज पूरा प्रदेश आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 नवंबर 2023 को आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ 3 लड़कों द्वारा जबरन गन पॉइंट पर दुष्कर्म कर वीडियो बनाया गया, जबकि सीसीटीवी कैमरे में तीनों अपराधियों की पहचान कर लिया गया है, जिसके बावजूद आरोपियों को भाजपा द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया। ऐसे ही दूसरा मामला गोरखपुर की है, जहां मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। उन्होंने कहा कि यह मुठभेड़ राजनीतिक विरोध के तहत कराया गया था। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले अब अपराधी बचाओ पर कार्य करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खान। आज की प्रेस वार्ता, जैसा कि आप 2023 का एनसीआरबी का रिपोर्ट आप देख लीजिए, प्रदेश ही नहीं देश पूरा अपराध की आग में जल रहा है। और अभी आप हमारे वाराणसी में, जहां माननीय प्रधानमंत्री योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है, वहां बंदूक के नोक पर गन पॉइंट पर एक आईटी की छात्रा के साथ जिस तरह से बलात्कार किया गया, 5 तारीख को सीसीटीवी के द्वारा पहचान की गई, 8 तारीख को छात्रा के द्वारा बताया गया, जिस 3 दरिंदे द्वारा यह कार्य किया गया, वो भाजपा के द्वारा उनको तुरंत उनको जेल भेजना चाहिए सजा दिलाने के काम के बजाय, उनको 5 प्रदेश में चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले या लोग किस मुंह से बात करते हैं। आज हमारी बहु बेटी या कृत्य और देश की अन्य कृत्य देख करके शर्मसार हैं। आप बेटी के साथ जो रेप की बात करते थे, उसमें फांसी की बात करते थे, बुलडोजर की बात करते थे, कहां है फांसी की सजा, कहां है बुलडोजर की वो कार्य, कुछ दिखाई नहीं दिया। और दूसरी जगह योगी जी के क्षेत्र में उपाध्याय विनोद उपाध्याय की जिस तरह से हत्या की गई, राजनीतिक विरोधी होने के कारण आप उनका एनकाउंटर करवा रहे हैं। यह सब हमारे जो मुखिया देश के प्रदेश के मुखिया हैं, उनके संरक्षण में हुआ। आप कहां के किस विषय की उम्मीद करते हैं? आज अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, तमाम प्रकार से मादक पदार्थ बिक रहे हैं और बेरोजगारी महंगाई में जन जन त्रस्त है। उस जनता की बात न करके आप अपराधियों की बात, और जैसा कि अभी आप सुने हैं कि अब अपराधी को सजा न मिले इसके लिए सरकार कर रही है, दोषी बचाओ दोषी को सजा दिलाओ नहीं, दोषी बचाओ। तो आपके माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जो ऐसा कि हमारे प्रदेश के द्वारा हाई कमान के द्वारा निर्देशित किया गया है, हम कांग्रेस के लोग अपराधियों पर शिकंजा कसे, सजा मिले और सख्त कार्रवाई हो, और जो गोरखपुर में भी कांड किया उसका न्यायिक जांच की मांग करते हैं।